मोतिहारी का महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय हमेशा विवादों में ही घिरा रहता है। मानो तो जैसे केवीवी को किसी का नजर लग गया है। आरोप प्रत्यारोप के बाद विश्वविद्यालय में हिंसक झड़प शायद ही कोई भूले होंगे। फिर यौन उत्पीड़न के मामले और अब फिर से यौन उत्पीड़न का मामला। सब में आरोपी एक, नाम है दिनेश हुड्डा, पद सेक्शन अधिकारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हुड्डा पर लगे सबसे पहले आरोपों के बारे में। आरोप, नियुक्ति में फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल। हुड्डा की नियुक्ति से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स आरटीआई से प्राप्त हुए हैं। हालांकि टुडे बिहार न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखिए और समय निकाल कर देखिए, दिनेश हुड्डा ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बताया है कि वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत थे। वास्तविकता यह है कि दिनेश हुड्डा कभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत नहीं थे। वह अल्ट्रा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और प्रवीज मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। इसके साथ साथ दिनेश हुड्डा द्वारा भरे हुए आवेदन और उनके साथ उनके द्वारा लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेखित अनुभव की तिथियां भी मेल नहीं कर रही है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन की योग्यता 4200 ग्रेड पे पर 8 साल का अनुभव होता है। जबकि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस विज्ञापन में सेक्शन ऑफिसर के पद पर आवेदकों से न्यूनतम 3 साल का प्रशासनिक अनुभव की ही मांग किया गया था। स्पष्ट है इसका लाभ सीधे सीधे दिनेश हुड्डा को मिला, जो अधिकतम 2400 ग्रेड पे पर ही कार्य का अनुभव रखता है, जिसको UGC ने भी अवैध पाया और MHRD को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया। इसकी लिखित शिकायत पूर्व VC अरविंद अग्रवाल, पूर्व VC अनिल राय और वर्तमान VC संजीव शर्मा से भी की गई, लेकिन किसी ने हुड्डा के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया। दिनेश हुड्डा कुलपति महोदय के साथ ही मोतिहारी आए थे। हाँ, हमें भी याद है, उक्त साहब थे श्री अरविंद अग्रवाल, पहले VC थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के। कुलपति के बहुत प्रिय थे दिनेश हुड्डा। जिस पद पर दिनेश हुड्डा कार्यरत हैं और जिस पद पर इनकी नियुक्ति इसी विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय द्वारा पहले की गई थी, उसके लिए आयोजित पूरी परीक्षा प्रक्रिया में हुड्डा भी शामिल थे। ध्यान देने लायक बात यह है कि उस पद के लिए शहर से भी कई विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, मगर दिनेश हुड्डा से पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा काबिल होने के बावजूद इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि वो कुलपति के करीबी नहीं थे। बहरहाल देखना होगा कि आखिर कब तक हुड्डा VC के छत्र छाया में बचता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।